हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस। ये वीडियो जो आ रहे हैं ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग बेस फॉर्म करने में आपकी मदद करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। देयर विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ओके? सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग दीज लेक्चर्स and your base will be very strong and you will be able to understand the pattern and the demand of the UPSC so that you can be successful in your career। चलिए देखते हैं introduction to social science। chapter start होता है introduction to social science से। आपको कहता है आप imagine करिए आप time machine, आपके पास कोई time machine होता जिसमें आप ये जान पाते कि अगर आपके grand parents के पहले का समय कैसा था, उस समय क्या था। सो दिस चैप्टर स्टार्ट विथ आस्किंग यू, सपोज आपके पास कोई टाइम मशीन है, आप ट्रैवल बैक कर सकते टू दोज डेज वेयर योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रेन, जब आपके दादा के दादा चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, तो उनके समय में क्या था, ठीक है। और फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछता है, वुडंट इट बी इंटरेस्टिंग टू नो वॉट हैपेंड इन द पास्ट, डू यू रियलाइज दैट वी कैन रिलेट विथ आवर पास्ट इवेंट टू डू, डज इट नॉट साउंड लाइक अ मिस्ट्री दैट वी मस्ट सॉल्व, ओके। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हाउ अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट हेल्प अस टू प्रिपेयर अस बेटर फॉर टुडे एज वेल एज इन द फ्यूचर। अपने पास्ट को समझते हुए हम कैसे अपने प्रेजेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हैं और फ्यूचर को भी अच्छे से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं, उसको देख लेते हैं। जब हम इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे दैट स्टडी ऑफ सोशल साइंस इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सोशल साइंस इंक्लूड करता है डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। वी विल बी एबल टू अप्रिसिएट दैट ऑल दीज सब्जेक्ट आर इंटरकनेक्टेड एंड टुगेदर फॉर्म द नॉलेज मास ऑफ सोशल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है दे आर इंडिपेंडेंट, नहीं, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी अच्छे से समझ पाएंगे, ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री समझ में पाएंगे, ठीक है, और जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर इंटरडिपेंडेंट, ओके। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी ऑल्सो एबल टू डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व। जैसे पहले ह्यूमन क्या था, हंटर गैदरर था, फिर धीरे 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 व्हील का आविष्कार हुआ, फिर फायर का आविष्कार हुआ, तो कैसे इवोल्यूशन आया वो सब हम देखेंगे इसमें। एंड वी विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस आवर प्रेजेंट डे सोसाइटी फेसेस, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। आगे देखते हैं सोशल साइंस एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन। देखिए, सोशल साइंस इज कंसर्न्ड अबाउट सोसाइटी, इट एम्स एट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फाइंडिंग सोल्यूशंस टू डील विद सोशल प्रॉब्लम। तो सोशियोलॉजी कंसर्न्ड हुआ सोसाइटी से, ये एम करता है अंडरस्टैंड करने के लिए ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज फाइंडिंग सोल्यूशंस टू डील विद सोशल प्रॉब्लम। दिस सोशल साइंस इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज एंड इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट डिसिप्लिन्स अंडर इट्स डोमेन। सोशल साइंस एक ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज है और इसके द मेन डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ओके। सो ऑल दीज आर द डोमेन्स ऑफ सोशल साइंस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सब डिसिप्लिन्स हैं क्या। देखिए, इन दिस यूनिट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस स्पेशली हिस्ट्री। वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस एंड हाउ क्लोजली इट इज रिलेटेड टू आवर लाइव्स। वी विल सी हाउ एज अ ह्यूमन बींग वी हैव गॉन थ्रू सेवरल स्टेजेस टू इवॉल्व फ्रॉम वेन वी लिव्ड इन द केव्स टू टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ सिटीज। सो जब हम सोशल साइंस में हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि कैसे हमने इवॉल्व किया। पहले इंसान केव में रहता था, गुफाओं में रहता था, फिर धीरे 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 आज हम मॉडर्न सिटीज में रहते हैं, अर्बेनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। सो वी विल बी एबल टू ड्रॉ लिंकेजेस बिटवीन इवेंट एंड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द टाइम, ठीक है, ओके। देखते हैं, चलिए पहले देखते हैं कि है क्या स्टडी ऑफ सोशल साइंस है क्या। स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज एन अकेडमिक डिसिप्लिन आर फील्ड ऑफ स्टडी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एट वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एट यूनिवर्सिटी लेवल। सो
जो हमारा सोशल साइंस है वो वेरियस लेवल्स पे पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल हो या एजुकेशन लेवल हो, क्लास फोर्थ थर्ड से ही आपको सोशल साइंस की बुक्स मिल जाती हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़? देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज आर सब डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस के, सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, ओके। लेकिन आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे ये जानकर कि शुरुआत में केवल देयर वॉज ओनली वन डिसिप्लिन विच वॉज फिलोसफी। पहले ये सब डिसिप्लिन नहीं थे जो आज हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। पहले केवल एक डिसिप्लिन होता था विच वॉज फिलोसफी, और फिलोसफी का क्या मतलब था? फिलोसफी मीन्स लव फॉर विजडम और नॉलेज। फिलोसफी का मतलब होता था लव फॉर विजडम और नॉलेज, एंड दैट इज़ वाई इवन नाउ द हाइएस्ट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इज PhD। PhD का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जैसे आज बहुत सारे डिसिप्लिन्स हो गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लेकिन पहले ये सब डिसिप्लिन्स नहीं थे। पहले केवल एक डिसिप्लिन होता था फिलॉसफी, और फिलॉसफी का क्या मतलब है? मीन्स फॉर लव फॉर विजडम एंड नॉलेज, एंड दैट इज़ वाई इवन नाउ द हाइएस्ट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इज PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पहले केवल एक हमारे पास डिसिप्लिन था फिलॉसफी, और फिलॉसफी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, द विच इज ऑल्सो द हाइएस्ट डिग्री इन PhD इन फिलॉसफी, ओके। लेटर हमें ज़रूरत पड़ी, हम लेटर विन नॉलेज स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड एक्सपेंडिंग, अ नीड वॉज फिल्ड टू क्लासीफाई नॉलेज इन टू डिफरेंट डिसिप्लिन। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें एक्साइटमेंट हुआ, हम वी आर एक्साइटेड, वी आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट नोन एज सोशल साइंस और सोशल स्टडीज। सो साइंस एंड सोशल साइंस केम टू बी डिफ्रेंशिएटेड, बोथ रिफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल। देखिए, जब पहले केवल फिलॉसफी था, फिर हमारी उत्सुकता बढ़ी, हमने उसको और डिटेल में जाके पढ़ने की कोशिश की, तो फिर दो सब्जेक्ट और निकल के आए, साइंस एंड सोशल साइंस, और दोनों डिफरेंट हैं। एनवायरमेंट साइंस डील करता है विथ नॉलेज रिगार्डिंग द नेचर एंड फिजिकल वर्ल्ड, एनवायरमेंट साइंस जो है वो डील करता है रिगार्डिंग नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। सोशल साइंस ऑन द अदर हैंड डील्स विथ नॉलेज कंसर्न विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग देमसेल्व, ओके। सो हमारा जो एनवायरमेंटल साइंस है वो डील करता है नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से, कैसे चेंजेस प्लेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो गया, या फिर साइंस में कोई थियरी या प्रैक्टिकल हो गई, ठीक है। बट सोशल साइंस इज कंसर्न्ड विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग। सोशल साइंस कंसर्न्ड है एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन बींग से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री क्या होती है? देखिए, हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, देखते हैं कि हिस्ट्री, हिस्ट्री एज एन अकाउंट, हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ इवेंट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, इट इज़ अबाउट द रियल पीपल एंड द रियल थिंग, इट डज नॉट डील विथ मियर आइडियाज एंड आइडियल्स आर व्हाट शुड हैव बीन, ऑन द अदर हैंड इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, ओके। सो हिस्ट्री एक अकाउंट ऑफ इवेंट है जो पास्ट में हुआ है, और हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, देखिए, वाई टू स्टडी हिस्ट्री, देखिए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू नो आवर रूट, हिस्ट्री को पढ़ने से हमें अपने रूट्स पता चलते हैं, स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट एंड गिव्स अस अ सेंस ऑफ प्राइड एज वेल एज डायरेक्शन, व्हाट वी कॉल प्रोग्रेस वुड बी नॉन एग्जिस्टेंस इफ वी डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पास्ट, देयर इज अ जनरल बिलीव दैट हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट विच वी थिंक इज डेड, इन रियलिटी आवर पास्ट हैज इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दिस लीगेसी दैट हैज एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन आवर लाइफ, इन essence, हिस्ट्री relates द स्टोरी ऑफ cooperative actions ऑफ लार्ज नंबर ऑफ men एंड women इन their quest फॉर अ बेटर लाइफ, ओके। सो वी विल बी एबल, हिस्ट्री क्यों जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो वी नो आवर रूट्स एंड वी आर एबल टू प्रेडिक्ट आवर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एज वेल। हिस्ट्री में हमने कौन सी गलतियाँ की थी, उसकी वजह से हम क्यों, वाई इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, सो अगर हम उस रीजन को जानेंगे तो आगे कल को हमें कोलोनियलिज्म के अंदर नहीं आना पड़ेगा। जैसे आज देखें हम, चाइना अपने इकोनॉमिक पावर से नियो कोलोनियलिज्म को प्रमोट कर रहा है, पहले वो किसी कंट्री को कर्ज देता है, फिर उसको अगर वो कंट्री वापस नहीं कर पाती तो फिर उसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा लेता है, लेकिन नहीं, इंडिया इससे सीख चुका है, इसीलिए इंडिया फंस नहीं रहा, इसीलिए इंडिया ने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को किनारे कर दिया है। तो अगर पास्ट को हम जानेंगे तो वी विल बी एबल टू प्लान आवर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एज वेल। सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर डिपेंडेंट ऑन हाउ वी कंसीव आर व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पास्ट। अब हिस्ट्री के बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आर्कियोलॉजी देख लेते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशियंट टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी एंड कल्चर,
द ट्रेसेस ऑफ दोज इवेंट कैन बी फाउंड इन मटेरियल रिमेन्स लाइक आर्टिफैक्ट बरियल्स रियूंड बिल्डिंग मोनूमेंट एक्सेट्रा. आर्क्योलॉजी एंशियंट टाइम्स का स्टडी करना है और हम एंशियंट टाइम्स के बारे में कैसे जान सकते हैं थ्रू मटेरियल रिमेन्स सच एज आर्टिफैक्ट बरियल्स रियूंड बिल्डिंग मोनूमेंट एक्सेट्रा. और ये सब स्टडी किसके द्वारा किए जाते हैं, दे आर स्टडीड बाई आर्क्योलॉजिस्ट. सो आर्क्योलॉजी एक स्टडी करने का एंशियंट टाइम्स में, आर्क्योलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट आवर पास्ट थ्रू आर्टिफैक्ट बरियल्स रियूंड बिल्डिंग मोनूमेंट. ओके, और जो ये इन सब चीज़ों के थ्रू पढ़ाई करते हैं उनको हम आर्क्योलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है, दे इंटरप्रीट देम टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द टाइम्स टू विच दिस आर्टिफैक्ट बिलोंग. द स्टडी ऑफ आर्क्योलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स द रिटन रिकॉर्ड दैट आर वेरी एंशियंट एंड कैन नॉट बी इजिली डिसिफर्ड आर अंडरस्टूड. दीज सोर्सेज गिव मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. सो आर्क्योलॉजी ऑल्सो रिटन रिकॉर्ड्स को भी पढ़ता है जो एंशियंट टाइम्स के हैं, जो इजिली जिनको डिसिफर, जिनको अंडरस्टैंड या जिनको इंटरप्रिट नहीं किया जा सकता. लेकिन जो ये सोर्सेस हैं हमारे, जैसे ये मटेरियल रिमेन्स हो गए, जैसे आर्टिफैक्ट बरियल्स रूइंड बिल्डिंग मॉन्यूमेंट और जो रिटन रिकॉर्ड है, दे प्रोवाइड अस मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सच ट्रेसेस आर फाउंड बरीड अंडरग्राउंड एंड हैव टू बी डग आउट. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे ट्रेसेस हैं, जो ये हमारे मटेरियल रिमेन्स हो गए या फिर ये जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हो गए जिनको हम डिसिफर नहीं किए, आर बरीड एंड दे आर एक्सकेवेटेड. एक्सकेवेटेड मतलब उनको खोद के निकाला जाता है, डग आउट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो, हरप्पा एंड नालंदा आर सम वेल नोन साइट्स वेयर एक्सकेवेशंस हैव बीन अंडरटेकन एंड वैल्यूएबल मटेरियल फाउंड. सो मोहनजोदारो, हरप्पा एंड नालंदा सम वेल नोन साइट्स ऑफ एक्सकेवेशंस हैं जहाँ पर खुदाई हुई और वैल्यूएबल मटेरियल्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन फाउंड. ओके, अभी एक वेरी इंटरेस्टिंग रिसेंट डिस्कवरी इज दैट ऑफ द रिमेन्स ऑफ अ सिटी फाउंड अंडर द सी नियर गुजरात. इट इज बिलीव्ड टू बी हिंदू गॉड्स कृष्णास सिटी द्वारका. राखी गढ़ी इन हरियाणा इज अनदर वेरी रिसेंट एक्सकेवेशन. सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक्सकेवेशंस अभी हुआ था गुजरात में भी. गुजरात में एक हिंदू गॉड कृष्णास की सिटी है द्वारका और राखी गढ़ी इन हरियाणा. ठीक है, सो ऑल दीज साइट्स वर ऑल्सो एक्सकेवेटेड एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वर मेड पब्लिक इन न्यूज़पेपर. ओके ओके, व्हेन यू गो ऑन ऑल दिस प्लेसेस यू विल बी एक्साइटेड टू नो हाउ इंटरेस्टिंग आवर पास्ट वॉज. आप इन सब जगहों पे जरूर जाएं, जैसे राखी गढ़ी में जाइए, आप हरियाणा में द्वारका में जाइए. ठीक है, ओके अब देख लेते हैं आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड क्या क्या करते हैं. आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे सोर्सेस जिनकी वजह से हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाते हैं, हिस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं. सो आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, मेटल प्लेट, क्वाइंस, सील्स, मॉन्यूमेंट, टूल्स, पॉटरी, टॉयस, पिक्चर्स एक्सेट्रा. सो आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इंस्क्रिप्शन, पिलर्स, मेटल प्लेट, क्वाइंस, सील्स, मॉन्यूमेंट, टूल्स, पॉटरी, टॉयस, पिक्चर्स एक्सेट्रा. ओके, वर्क ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा टेल अस अबाउट द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. अगर हम किसी, जैसे हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं, जैसे अशोका के टाइम पे इंस्क्रिप्शंस पिलर्स पे लिखे जाते थे, तो हमें अशोका के टाइम के कल्चर के बारे में पता चलता है. सो वर्क ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा दिस टेल अबाउट द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. ओके, सो ऑल दिस वी विल स्टडी इन द हिस्ट्री. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, वी विल कवर इन होल डिटेल. आप बोर मत होइए, जब आपका बेस क्लियर रहेगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेरी फास्ट. ठीक है, तो मेरा मकसद यहाँ पे यही है कि मैं आपका बेस क्लियर कर दूँ. ठीक है, देखिए अब आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ दिया गया है. विच एक्सकेवेट्स, जो खुदाइयाँ करके वेरियस एविडेंसेस कलेक्ट करता है ताकि हम पास्ट को अपने अच्छे से समझ सकें. क्या है आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? द आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्क्योलॉजिकल रिसर्चेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन. मेंटेनेंस ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्क्योलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज द प्राइम कंसर्न फॉर ASI. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्क्योलॉजिकल साइट्स द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 24 सर्कल्स. ओके, सो आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है और इसका मेन वो क्या है, इट कंडक्ट रिसर्चेज एंड प्रोटेक्शन फॉर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन. ये एंशियंट मॉन्यूमेंट को मेंटेन और प्रोटेक्ट भी करता है. और इस देखिए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ लार्ज वर्क फोर्स. ओके,
फॉर आर्क्योलॉजिस्ट, कंजर्वेटर्स, एपिग्राफिस्ट, आर्किटेक्ट एंड साइंटिस्ट फॉर कंडक्टिंग आर्क्योलॉजिकल एक्टिविटीज एंड रिसर्चेज। ये याद रखिएगा, आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्य काम क्या है, ये आर्क्योलॉजिकल रिसर्चेस करता है और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है और एंशियंट मॉन्यूमेंट को मेंटेन करता है और दिस इज ऑल्सो बिजी इन एक्सकैवेटिंग द पास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, लिस्ट द मेन, क्योंकि अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उस पे बेस्ड, सो यू विल बी एबल टू परफॉर्म और यू विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं और रिटेन भी कर पाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। लिस्ट द मेन सब्जेक्ट दैट बिल्डअप द नॉलेज एरियाज ऑफ सोशल साइंस। कौन कौन से सब्जेक्ट थे हमारे, ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस थी एंड फिलॉसफी थी। ओके, सो ऑल दिस सब्जेक्ट आर द नॉलेज एरिया ऑफ सोशल साइंस, ओके, एंड मेन सब्जेक्ट। सेकेंड क्या है, डू यू थिंक इस हिस्ट्री इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट, यस, ड्यू टू रीजंस। अभी मैंने बताया हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री अच्छे से जानते रहेंगे तो वी विल बी एबल टू प्लान आवर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एज वेल। और हिस्ट्री जो है हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि हाउ ह्यूमन पॉपुलेशन इवॉल्व फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू एक्सप्लोरिंग द स्पेस। पहले हम हंटर गैदरर्स थे, जंगलों में घूम के हम खाना ढूंढते थे, लेकिन आज हम स्पेस मंगलयान मिशन पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो स्टडिंग हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर मिशंस। ओके, देखिए, गिव वन डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्क्योलॉजी। हिस्ट्री क्या है, स्टडिंग ऑफ पास्ट है, एंड आर्क्योलॉजी क्या है, द सोर्सेस थ्रू विच वी विल स्टडी आवर पास्ट। समझ में आया, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के थ्रू हम अपने पास्ट की स्टडी करते हैं, बट हम पास्ट की स्टडी करेंगे कैसे, थ्रू आर्क्योलॉजी। ओके, थ्रू आर्क्योलॉजी वी विल स्टडी आवर पास्ट। लिस्ट फाइव सोर्सेस विच कैन हेल्प अस टू स्टडी आवर पास्ट। कौन कौन से चीज हो सकते हैं, वो अभी हमने देखा था जो हमारे सोर्सेस थे, जैसे देखिए दीज आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शन, पिलर, मेटल प्लेट, क्वाइंस, सील्स, मॉन्यूमेंट, टूल, पॉटरी, टॉयज, ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री बेटर। दीज आर्क्योलॉजिकल सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शन, पिलर, मेटल प्लेट, क्वाइंस, सील्स, मॉन्यूमेंट, टूल, पॉटरी, टॉयज एक्सेट्रा कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री इन अ बेटर वे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट एट लीस्ट फोर आर्क्योलॉजिकल साइट्स इन इंडिया अदर देन दोज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। सो दिस यू कैन सर्च, यू कैन लुक एट द हिस्टोरिकल साइट्स और वी विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर। ओके, ठीक है, कुछ और डिफिनीशंस देख लेते हैं। ज्योग्राफी क्या है, देखिए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड आर्क्योलॉजी रिमेन्स इनकम्प्लीट विदाउट नोविंग समथिंग अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द एरिया बींग स्टडी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल, प्लेसेस एंड एनवायरमेंट। इन सिंपल टर्म्स इट इज नोविंग अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव। ज्योग्राफी इज अ यूनिक ब्रिजिंग। सो जब तक आप ज्योग्राफी नहीं जानेंगे, ज्योग्राफी मतलब कौन सा प्लेस कहाँ लोकेटेड है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, राखी गढ़ी हरियाणा, जब तक आप राखी गढ़ी हरियाणा को मैप में नहीं देखेंगे ज्योग्राफिकली ये कहाँ लोकेटेड है, तब तक आप उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे आपको कहा जाता है कि गंगा प्लेन जो होता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या दिया हुआ है, डू यू नो दैट द इंडो गैंगिस प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया। क्यों, अब भाई ये स्टेटमेंट आपको बोल दिया गया कि इंडो गैंगिस प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन इंडिया, तो क्यों, क्योंकि द बिग रिवर्स लाइक द गंगा ब्रिंग्स एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। इसीलिए जो हमारा इंडो गंगा प्लेन है ये मोस्ट फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी नदियाँ जैसे गंगा बहती है और ये फ्रेश वाटर लेके आती है फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। दिस इज वाई दिस लैंड बिकेम द प्लेस फॉर एस्टेब्लिशिंग बिग एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ मौर्याज, द गुप्ताज एंड मुगल्स। ओके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इन एबंडेंस फर्दर हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑल दीज एम्पायर्स। तो ये चीज़ आप ज्योग्राफिकली, जब आप ज्योग्राफी से समझेंगे कि भाई नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे एक रिवर गंगा बहती है जो एबंडेंट वाटर में फ्रेश वाटर लाती है ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पजेज के लिए, सो दैट रीजन इज मोस्ट फर्टाइल। और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन हो सकता था। अगर आपके पास वहाँ पे आयरन अवेलेबल है तो वो मिलिट्री वेपन्स डेवलप करने में मदद करेगा। सो ज्योग्राफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री बेटर। अगर ज्योग्राफी आपको पता होगी तो आप हिस्ट्री को और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे अगर हम जानते रहेंगे कि ईरान से अगर आर्यंस आए हैं, ईरान अफगानिस्तान से होते हुए, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर देयर इन्वेजन टू इंडिया।
सो ज्योग्राफी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग द हिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है. इन पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी अबाउट गवर्नमेंट. ओके, इन पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी हाउ वी विल बी रूल्ड. देखिए, गवर्नमेंट इज अ वर्ड विथ विच यू आर फैमिलियर, यू ऑफन हियर आर रीड अबाउट इन द न्यूज़पेपर. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मेक्स लॉज एंड एवरीवन लिविंग इन द कंट्री हैज़ टू ओबे दिस लॉज. इन डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव पावर टू द गवर्नमेंट व्हेन दे इलेक्ट देम. इन दिस वे पीपल हेल्प द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री टू मेक लॉज. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, हाउ द पीपल ऑफ दैट कंट्री विल बी गवर्न्ड. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्ड है गवर्नमेंट से और थियरी और प्रैक्टिस से भी. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर. सो पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्ड है विद द स्टडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी. जैसे कहीं डेमोक्रेसी है तो क्यों है, कहीं अथॉरिटेरियन रिजाइम है तो क्यों है. सो पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज द होल वर्ल्ड. देख सकते हैं और कुछ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन होते हैं, हु स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इवेंट एंड कंडीशन. ओके, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस हायर क्लासेस में पढ़ना चाहेंगे, इफ़ यू डिसाइड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस इन सीनियर सेकेंडरी, यू विल लर्न मोर अबाउट पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी विच आर द इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ दिस सब्जेक्ट. ओके, अगर आप हायर क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल इकोनॉमी भी पढ़ाया जाएगा. बस अभी आप इतना याद रखिए कि पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है सोशल साइंस का जो कंसर्न करता है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए. ओके, अब सोशियोलॉजी देख लेते हैं क्या होता है. देखिए, सोशियोलॉजी इज एट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स. सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियोलॉजी. ओके, सो इट लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ कंपेनियन. सोशियोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी एंड हाउ इट वर्क्स. सो सोशियोलॉजी में क्या करते हैं हम, वी अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी इज एंड हाउ इट वर्क्स. बेसिकली इन सोशियोलॉजी वी रीड अबाउट सोसाइटी एंड हाउ द सोसाइटी वर्क्स. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंट फैक्टर्स दैट हैव शेप्ड आवर सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, रेस, क्लास, जेंडर, कल्चर, रिलीजन, बिलीफ एंड गवर्नमेंट. सोशियोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स आर स्टडीज द वे इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इम्पैक्ट ऑन द रनिंग ऑफ आवर सोसाइटी. सो सोशियोलॉजी कंसर्न है सोसाइटी से एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोसाइटी. एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड हाउ इट इम्पैक्ट द रनिंग ऑफ आवर सोसाइटी. ओके, अब इकोनॉमिक्स देख लेते हैं. देखिए, लिविंग इन अ सोसाइटी ऑल्सो मीन्स दैट वी मस्ट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ. वी मस्ट नो हाउ टू इकोनोमाइज आवर इनकम. ओके, इट मीन्स इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ टू मैनेज आवर बजट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 100 रुपये है तो उसका डिफरेंट यूज कैसे हम अपने क्लॉथिंग में, फूड में, एजुकेशन में, हेल्थ में. सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और इकोनॉमिक्स इज अ प्रोसेस इन विच वी डिस्ट्रीब्यूट आवर रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट नीड्स. ओके, इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने डिफरेंट यूज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, सी, इट इज मच मोर देन मेकिंग अ बजट. इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच ह्यूमन मेक चॉइसेस अबाउट प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड वेल्थ. ओके, सो इकोनॉमिक्स हेल्प्स ह्यूमन टू मेक चॉइसेस अबाउट प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड वेल्थ. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर फेस्ड विथ लिमिटेड मीन्स. हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उससे हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं ताकि वो अ लार्ज पोर्शन ऑफ सोसाइटी बेनिफिशियल हो. ओके, ओके, स्टडिंग इकोनॉमिक्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग इफ यू अप्लाई द लर्निंग रियल लाइफ सिचुएशंस. ओके, आप अपने एक बेसिक एग्जांपल से समझिए. फॉर एग्जांपल, यू हैव 10 रुपीस. नाउ दिस 10 रुपीस से आपको एक महीने भर का खर्चा निकालना है, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे. 2 रुपये आप फूड पे खर्च करेंगे, 2 रुपये क्लॉथिंग पे खर्च करेंगे, 2 रुपये एजुकेशन पे खर्च करेंगे, 1 रुपये हेल्थ के लिए बचा के रखेंगे फॉर इमरजेंसी सिचुएशन. सो जो ये हम सब कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स. हम अपनी इकोनॉमी मैनेज कर रहे हैं. वी आर मैनेजिंग आवर बजट एंड फ्रॉम हाउ दिस लिमिटेड सोर्स वी कैन मैनेज आवर नीड. ओके,
दिस इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अबाउट मैनेजिंग आवर बजट एंड इन लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ कैन वी मीट द डिमांड विच विल बी क्रिएटेड इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट. ओके, सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम लोग फिर क्वेश्चन देख के फिर लेक्चर को एंड करेंगे. देखिए, डू यू नो दैट बायोलॉजिकल नेम ऑफ आवर स्पेसीज ह्यूमन बींग इज होमो सैपियंस. वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट दीज होमो सैपियंस इन द नेक्स्ट सेक्शन. सो ये डू यू नो द मतलब ह्यूमन बींग्स का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस है. याद रखिएगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन लेटर सेक्शन. कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं. देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ज्योग्राफी कॉन्ट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री? यस, कैसे हेल्प करता है ज्योग्राफी? क्योंकि इफ़ वी नो द ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू अबाउट राखी गढ़ी इन हरियाणा. अगर हम हरियाणा के बारे में, राखी गढ़ी के बारे में जानेंगे तो अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे यहाँ क्यों है. और जैसे मैंने आपको बताया इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में, तो वहाँ पे मोस्ट फर्टाइल रीजन क्यों है? क्योंकि अगर हम वहाँ की ज्योग्राफी जानते हैं कि वहाँ पे एक रिवर है गंगा जो वहाँ से बहती है, वो फ्रेश वाटर लेके आती है ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पजेस के लिए. इसी वजह से जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है दैट इज़ मोस्ट फर्टाइल रीजन. और एक कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पे? वहाँ पे रिसोर्सेस, वहाँ पे जो आयरन है वो एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है. इसी वजह से वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक गेन भी आपको मिलता है. इसी वजह से ढेर सारे एम्पायर मगध में और अवध में इस्टेब्लिश हुए थे. तो ज्योग्राफी कैन रियली हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री. लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. हमने देखा था पॉलिटिकल थियरी थी, पॉलिटिकल साइंसेस थे, और हम उसमें देख रहे थे कैसे पॉलिटिक्स किसी देश का काम करता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. व्हाट डज सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट फोकस ऑन? सोशियोलॉजी किस पे फोकस करता है? सोसाइटी. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सोसाइटी एंड हाउ द इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विल बिहेव इन द सोसाइटी. ओके, व्हाट डज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद? इकोनॉमिक्स डील विद द मैनेजमेंट ऑफ बजट एट इंडिविजुअल लेवल, एट कम्युनिटी लेवल एंड एट द कंट्री लेवल और एट नेशनल लेवल. ओके ओके, हाउ डू यू थिंक सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ सोसाइटी बेटर? क्यों पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करता है गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है? सोशियोलॉजी सोसाइटी को अंडरस्टैंड में मदद करती है, सोसाइटी एंड हाउ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी वर्क, एंड इकोनॉमिक्स हेल्प अस इन मैनेजिंग आवर बजट. सो ऑल दिस सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इन अ बेटर वे. सो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था. ऐसे ही मैं अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पूरे डिटेल में कवर करूँगा ताकि आपका बेस जो है फॉर्म हो जाए, एक स्ट्रांग बेस आपका बनेगा ताकि आप सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर पाएँ. ओके, और क्वेश्चन सॉल्व कराने का मकसद यही है ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से रिटेन कर पाएँ. ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करेगा. बस आप इस वीडियोस और इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.